हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं पारुल चौधरी प्रोस्पर ब्यूटी पॉइंट से। तो बहुत दिनों से मैं आपके सामने नहीं आई हूँ, फेस टू फेस आई हूँ बट फेस टू फेस नहीं आई हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं आपको हेयर स्टाइलिंग की वीडियो दे रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको फेस टू फेस कुछ सिखाया जाए। तो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग स्किप कर जाते हैं। तो ये है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, किसी मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है कि दीदी फेस के लिए भी कुछ बताओ, फेस का जो थ्रेडिंग है हम अपने आप खुद कैसे करें। तो चलिए आज आपको बताते हैं थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं हम अपने आप घर के अंदर। ये ले लेते हैं अपना 40 नंबर का थ्रेड, ये मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता रखा है। इसको हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे, ये लेंथ होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ज़्यादा इसको लंबा रखेंगे तो नहीं चलेगा आपका थ्रेड। तोड़ लेते हैं, इसमें हम बांधेंगे नॉट। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि अपनी थ्रेडिंग खुद आप कैसे कर सकते हैं, और आपको डरना नहीं है क्योंकि आपको लगता होगा अपने हाथ से बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं, अपने हाथ से ज़्यादा पेन नहीं होती है। फोरहेड अपर लिप आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं अपर लिप नहीं कराती हूँ तो इसलिए मैं अपर लिप आपको बना के नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं आपको थ्रेडिंग बना कर दिखाऊंगी अपनी, लेकिन मेरी ग्रोथ नीचे आई हुई है, शायद आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रही होगी बट ग्रोथ मेरी आई हुई है। ये देखिए हमारा जो बाल है वो इसके अंदर से निकलेगा क्योंकि हमने इसको ऊपर करना है, तो इसके अंदर से जाएगा, इसके अंदर से नहीं जाएगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये देखिए ऐसे सीध लेनी है आपको और इसको ओपन कर देना है हाथ को। जो भी शेप आपने देनी उसी डायरेक्शन में लेते जाएंगे थ्रेड को। मैं आर्च शेप लेती हूँ तो मुझे ऐसे करके ये डायरेक्शन में लूंगी। इसमें आपको किसी से स्ट्रेच कराने की भी नीड नहीं पड़ती है। आप कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट अपने हाथ की थ्रेडिंग बहुत बहुत अच्छी होती है गाइस। इसमें आपको ये नहीं होता कि इसमें अरे उसने मेरी थ्रेडिंग खराब कर दिया, अरे ये बाल उड़ा दिया, अरे वो बाल उड़ा दिया। अगर आप अपने आप करने की आदत डालेंगे तो आपको सारी लाइफ किसी और की नीड नहीं पड़ेगी। ये देखिए मेरे बाल कितने आसानी से निकल रहे हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपका कोई बाल जो आपने निकालना है वो इसके अंदर आ चुका है, ये देखिए मैंने ये निकालना है, यहाँ पे अंदर आ चुका है बाल, दोबारा कर लेते हैं और इसको हम ओपन कर देंगे तो अपने आप निकल जाएगा आपका ये बाल। यहाँ हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती है तो हम यहाँ पे बिना शेप के ही चला देंगे, और ये ऐसे जज बनाने से थ्रेड हमारा जल्दी टूटता भी नहीं है। थोड़ा सा तो पेन होगा, इसकी ना एक बात का आपने ध्यान रखना। तो कर लेते हैं अब सेंटर, बहुत ही ध्यान से करना है। ये देखिए गाइस थ्रेडिंग की ग्रोथ मेरी ज़्यादा नहीं थी, कम थी, पर जितनी भी थी काफ़ी थी मेरे लिए। पूरा अच्छे से नीट कर देंगे इसको। हम आ जाते हैं इस साइड में, इस साइड के लिए हम ये वाला हाथ चलाएंगे, इस हाथ को ओपन करेंगे, इस हाथ से हमने ये वाली थ्रेडिंग बनाई, इसके हम ये वाली बनाएंगे। अब हम इस हाथ को ओपन करेंगे, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको क्योंकि ये उल्टा साइड पड़ता है बट बहुत ही ध्यान के साथ बनाते जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे हेयर हैं जो आपको वीडियो में नहीं दिख रहे होंगे बट आसानी से निकल रहे हैं ये।
इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे। आप चाहे तो अपनी सीजर को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ा लंबा लग रहा है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ। देखिए थोड़ी सी आगे से मैं नोट कर लूँगी इसको, क्योंकि दूसरी थ्रेडिंग करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा शुरू में। अब ये ग्रीफ उसकी सीम बैठेगी। मेरा थोड़ा सा बल इस डायरेक्शन में है तो मैं इस हाथ को यूज़ कर लूँगी। तो डायरेक्शन देख के आप थ्रेड चलाएंगे जिस भी डायरेक्शन में आपका हेयर आ रहा है। ये देखिए अब कुछ बल इस साइड से, तो मैं इस साइड से चला दूँगी इसको। जब आप घर पे थ्रेडिंग करना सीख जाएंगे तो आप थोड़े सी हेयर में अपनी थ्रेडिंग कर लेंगे, तो आप फुल ग्रोथ आने नहीं देंगे, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जब आपके हाथ में ही सब कुछ है तो आप थोड़े से हेयर आते ही अपना नीड कर सकते हो, क्योंकि फुल ग्रोथ में आप पार्लर जाते हो, बट अगर आप घर में कर सकते हो तो आपको बिल्कुल भी ग्रोथ रखने की नीड नहीं पड़ेगी। देखिए मेरी थ्रेडिंग पूरी बन चुकी है, देखिए पूरे अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो आई होप मेरा तरीका आपको पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।